हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप क्या सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस 6G लॉन्च हो गया, अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। तो आज अपन कंपेयर करेंगे एक्टिवा 125 BS6 वर्सेस होंडा एक्टिवा 6G। दोनों के अपन उसके स्टैंडर्ड वेरियंट है उनको कंपेयर कर देंगे, और दोनों के अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑन रोड आपको 80K के आसपास पड़ेंगे। और आपको इन दोनों गाड़ी में क्या कॉमन मिलता है? PGM, FI और ACG स्टार्टर मिलता है दोनों में कॉमन। तो पहले इंजन का बात करते हैं। अपने एक्टिवा में आपको इंजन मिलेगा 110 CC का, जो कि 7.6 BHP की ताकत प्रोड्यूस करेगा और 8.79 Nm का टॉर्क। अभी आपको अंडर पावर लगेगा, अगर आप इसमें ट्रिपलिंग करते हैं, कोई फैमिली बैठते तो अंडर पावर लगेगी। और अभी अपन अपने एक्टिवा 125 के बात करते हैं, जो कि 8.1 BHP की ताकत प्रोड्यूस करता है और 10.3 Nm का टॉर्क। अब आपको इन दोनों गाड़ियों में आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं जो कि अपने स्टील व्हील्स हैं। और आपको इन दोनों गाड़ियों में 130 mm के ड्रम ब्रेक मिलते हैं, और पीछे आपको दोनों में 10 इंच के व्हील्स मिलते हैं। और अब इन दोनों गाड़ियों के हम DRL की बात करते हैं, आपको एक्टिवा 125 में आगे आपको सिग्नेचर स्टाइल के DRL मिलते हैं, जबकि अपनी होंडा एक्टिवा 6G में आपको DRL नहीं मिलते हैं। और अभी अपन इन दोनों गाड़ियों के जो अपने हेलोजन बल्ब है, मतलब जो अपने हेडलाइट है, उसके बारे में बात करते हैं। आपको इन दोनों गाड़ियों में हेलोजन बल्ब मिलेगा, क्योंकि अपन इन दोनों गाड़ियों के बेस वेरियंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों गाड़ियों में हेलोजन बल्ब मिलेगा 35x35 वॉट का। आप अपन इन दोनों गाड़ी के मीटर कंसोल की बात करते हैं, दोनों में आपको बिल्कुल बेसिक मीटर कंसोल मिलेगा। अपने राइट में आपको इंजन कट ऑफ और स्टार्ट का मिलेगा, लेफ्ट में आपको पासिंग स्विच, हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर मिलेंगे, और हॉर्न मिलेगा। आपको इनमें कोई भी ये टिप मीटर नहीं मिलेगा, कोई कुछ भी डिजिटल नहीं मिलेगा। अब इन दोनों गाड़ियों पर जो फ्यूल की बात करते हैं, आपको इन दोनों गाड़ियों में बाहर मिलेगा फ्यूल डबल लिड वाला एक्सटर्नल फ्यूल फिल मिलेगा। जो इन दोनों गाड़ियों के फ्यूल की क्या कैपेसिटी होगी, वो 5.3 लीटर्स की होगी। और आपको एक्टिवा 125 में आगे आपको ग्लो बॉक्स मिलेगा, जबकि 6G में आपको ग्लो बॉक्स नहीं मिलेगा। आपको इन दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलेगा CBS विद इक्वलाइजर, 3-स्टेप एडजस्टेबल ईयर सस्पेंशन मिलेंगे और 3 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी। अब इस गाड़ी में आपको जो 6G का वेट है वो 107 kgs कर वेट है, अपनी एक्टिवा 125 का जो कर वेट है वो 111 kgs है। अब इन दोनों गाड़ियों की बात करते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस किसका अच्छा है? अपनी एक्टिवा 125 का ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm, जबकि अपनी एक्टिवा 6G का ग्राउंड क्लियरेंस है 171 mm, जो कि अपना बेस्ट इन सेगमेंट है। और आपको अब इस गाड़ी में जो अपनी एक्टिवा 125 में आपको साइड में ये क्रोम में एक्टिवा 125 मिलेगा, और जो ये फुटरेस्ट है वो आपको स्टील के मिलेंगे, जबकि अपनी 6G में आपको फुटरेस्ट स्टील के नहीं मिलेंगे। और ये क्रोम है वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्टिवा लिखा रहेगा, और 6G में आपका ये उसका स्टिकर फॉर्म में होगा। तो ये मेरे को इसमें अच्छा नहीं लगा, जबकि अपने आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वो अपनी एक्टिवा 125 में मिलेगा, जबकि अपनी एक्टिवा 6G में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ नहीं मिलता, जबकि कंपनी को देना चाहिए था। आपको इसमें 6 कलर ऑप्शन मिलेंगे अपनी 6G में, जबकि अपनी एक्टिवा 125 में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे। तो ये पूरा मेरा कंक्लूजन था इसमें, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अब आप अगर आपको थोड़ा अच्छा पावर चाहिए तो आप 5-6 थाउजेंड दे के आप एक्टिवा 125 ले सकते हैं, जबकि अगर आपको थोड़ा पावर कम चाहिए, अपने फैमिली के लिए चाहिए, तो आप 6G ले सकते हैं। दोनों में लगभग कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ DRL और इन सब का छोटा मोटा मेजर डिफरेंस है। आपको 6G में थोड़ी पावर कम मिलेगी, जबकि एक्टिवा 125 में थोड़ी पावर ज़्यादा मिलेगी। तो ये पूरा मेरा इस वीडियो का कंक्लूजन था। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी ऑटोमेटिक न्यूज एंड मॉडिफिकेशन लाते रहते हैं। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका कंपेरिजन कैसा लगा प्लीज़ मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं जिससे